चावल चाखूंगा और कढ़ी कढ़ी चावल चाख के पक्का जाऊंगा, क्योंकि यह चीज़ भी दिखाने की है। खा के देखूँगा तो मेरा पाप पटक होगा, बच्चे खावा के हैं। भाई नमक जगह नमक सही है, चावल साफ सुथरे हैं। इस रोड पर मैं बहुत पहली वीडियो बनाई थी मैंने, करीबन आज से 3-4 साल पहले ही, तो उस टाइम ये नाले बने बने थे, तो उस टाइम नाले बने बने थे, लेकिन आज वो बस थबा होगी, नाले नूले नाम की चीज़ ख़त्म होगी, आगे खड्डा होगा, पानी हो गया, और उस टाइम इसका हालत बहुत बुरा था, लेकिन जो कि तो ये व्यवस्था है ना, ये तो उस टाइम इस टंकी में पानी आया था ना, ये आज तक मेरे हिसाब से इस टंकी में पानी आ पाया है। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, जहाँ पे मैं बैठा हूँ गांव बडाला, और इस गांव की मैं वीडियो बनाई थी मैंने सफाई व्यवस्था के ऊपर, तो मैं सबसे ज़्यादा उस वीडियो में डरा था, कि डरा भी इसलिए था कि पटवारी और सरपंच वर्तमान सरपंच के ऊपर बस यह था कि पूरा पूरा तालमेल बैठ रहा था गर्मा गर्मी का, और डर यो था कि मेरी वीडियो में डर यो था कि झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि सच्ची बोलने की मेरी आदत है, और मेरा छोटा सा दायरा है ज़िला भिवानी, तो 31 गांव है, 31 वार्ड हैं। जिम आओ है जब शहर में बढ़ती हूँ, नमस्कार, जिम आओ जब गाँव में चले जाओ वहाँ, यानी यह कि सारा सारा अपना अपना पंसा है अपने लोगों को वाला, कि कोई माता मिल जाए तो वह माता गुरु में मिल जाए, अच्छा बुजुर्ग मिल जाए वो पिता गुरु में मिल जाए, और जो छोटे गुरु में मिल जाए वो छोटे भाई को प्यार गुरु में मिल जाए। यह है कि मैंने हर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 31 गांव 31 शहर वार्ड हो, तो मैंने एक अपना पंसा प्रेम है मेरे साथ में, आज तक कोई ऐसा व्यवहार नहीं हुआ कि तू तलाक हुई हो ना, मेरे साथ मेरे काम को किसी ने बिसराया कि तू गलत काम हमारे काम के लिए कराया, जो बात है वास्तव में वह दिखा दी हूँ। तो फिर से चुनाव के अंदर भी मैं आया था, जिस टाइम पटवारी साहब ने वीडियो बनवाई थी, और गांव के दिग्गज थे, गांव के बड़े बड़े थे, परिवार के बड़े बड़े लोग थे, वो सभी विनती गाँववासी से करने का काम कर रहे थे कि सरपंच बनाओ भाई, काम हम करांगे। लेकिन उस टाइम की बात करूँ, जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम तक तो सरपंच का भी विचार कौन था कि हम पटवारी का कि हम सरपंच का चुनाव भी लड़ सका है, लेकिन पता नहीं गाँव ने किस्ता भी भरी, किस्ता भरी, और गाँव राम ने दिया आशीर्वाद पटवारी की पत्नी को, सरपंच बना दी। तो करीबन 20 से 22 दिन से ऊपर हो चुका शपथ लिए हुए, और करीबन 14 दिन लिया था, तो 10-15 दिन ये लगा लो आप, तो 4 दिन में 15 दिन हो गए, और शपथ लिए करीबन 25 दिन तो ऊपर के दिन देखे जा सके। तो दिखाऊंगा गांव बडाले के अंदर आके आज फिर से कि के बदलना है, कि के बदलने लाग रहा है, किस तरह से जिस टाइम उस वीडियो के अंदर इतनी फुर्ती थी, इतनी आवाज़ में दम था, तो वास्तव में सरपंच को गांव ने सही चुना होगा, तो सही चुना है, तो सही चुना सरपंच ने, कितना काम शुरू कर दिया, के काम शुरू कर दिए, वो काम भी दिखा दूंगा, और जी के काम होने चाहिए गाँव के अंदर, कि जो व्यवस्था हो जाए वो व्यवस्था दिखनी जरूरी हो जाए। अब जोड़ की व्यवस्था है, अगर जोड़ की व्यवस्था के ऊपर ही घाट बन जाएगा तो इस गांव को सुलझ हो जाएगी रोड पट्टा होने का, यो काम बहुत ज़रूरी है, और एक साहब गांव के लोग इकट्ठे हो रहे, आप गांव के हैं, कि गांव में कमी है, काम में बता, काम में क्या कमी है, कमी है पार्क नहीं, काम में पार्क को नहीं, ठीक है पार्क को नहीं, क्या नाम अपना, मोहित, तेल बंद करना ना, तेल बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है पाँच, नमस्ते नमस्ते, क्या कमी है गांव में जो पूरी होनी चाहिए, सरपंच एक अपेक्षा है कि हमारा काम करो भैया, सरपंच तो जी 2-3 अपेक्षा है, एक तो हमारा स्कूल का माहौल है जो पढ़ाई का, उपेक्षा उपेक्षा मतलब उपेक्षा, जो भी है जी माहौल बहुत खराब होता जा रहा है पढ़ाई के प्रति, अच्छा। और एक जो मतलब पानी पुणी की सुविधा है बंद करे, यह भी थोड़ी और सुधार होना चाहिए, होना चाहिए, मान ली जिस तरह भाई पीछे मोटर बढ़ जाए तो भी मोटर माटर की सुविधा कम रहा है, हड़ नलका की है भाई 5वां दिन नलके आए हैं, वो भी मतलब 20 मिनट इतना है कुछ
ज़्यादा वो को नहीं होता। एक भीम स्टेडियम बनाया था उसने 5 साल यह योजना गई, ये 5 साल और देखो यह पूरी हो जाएगी। तो सरपंच बाकी सरपंच में फिलहाल कोई कमी नहीं है, अगला काम करने की कहे तो करे भीगा। चलो जी काम करे के नाम अपना अंकित प्रजापत भाई वास्तुता में देखो जो बात रखी बेबाकी से रखी, एक अलग ही इंटरेस्ट आता है उन बंदों से साथ मिलते हैं जो वास्तुता में काम के लिए बात का आईने का खोलने आईना दिखाने का काम करते हैं। अंकित ने बहुत अच्छी बात बताई। तो जी सरपंच साहब आपसे विनती है, अरे ये बात तो है अंकित जोड़ को प्रवेश चार दीवारी होनी चाहिए हैं, तो ये आप युवा हो काम के बार बार जाम तरी हो सरपंच करना है ठीक है। और एक बिल्डिंग है सरपंच साहब अगर यह दायरे में डिपार्टमेंट का हो तो डिपार्टमेंट खुलाओ, और नहीं है अगर गांव का पंचायत खंड रहा है तो यह भी कराने की कोशिश करना, क्योंकि उड़े भुर भुर के यह भी गांव की शोभा बने कोने की, क्योंकि उड़े सुसर की खाटर उड़े बहु का फिसला है और उड़े आपका दो डंग पर देखो सरपंच साहब आपके गांव का गौरव पट है। अब गौरव पट के आगे की व्यवस्था यह होनी चाहिए कि इस गौरव पट का अनादर करना गाँव का अनादर करना माना जाएगा। अब सरपंच साहब बड़े हैं सपतली है कितना करके ये इस तरह की होल्डिंग बाजी पोस्टरबाजी ना होने दियो, आपका गांव का गौरव है, लिकड़ते बैठते जाते आते बस 2 मिनट रुक के इस पर कपड़ा मारना शुरू कर दियो पूरा गांव जागरूक हो जाएगा मेरे हिसाब से। गलत तो नहीं कह जी? ठीक कही है, है? हाँ सब पता लिख रहा है, कोई समझ घर का लिख रहा है परिवार का लिख रहा है, इसको अपना संभाल दियो। अगर ये पोस्टरबाज लगा रखे हैं ये पार्ट फूट के साफ कर दियो, गांव भी दिखेगा। कपड़ा तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, है चप्पल जरूर मार लग जाओगे लोग जाई डाल का हिसाब किताब रहे आते हो। गौरव पट तो बहुत बड़ी चीज है गांव की है। लेकिन गांव की धरोहर है, गांव की धरोहर है मैं भी ये कह रहा हूँ, लेकिन है ना आने वाला टाइम ऐसा हो जाएगा कि हम अपने बच्चों को जागरूक नहीं करेंगे तो वो हमारे इतिहास को यही खत्म कर देगा, आगे नहीं लेके जाएगा तो ये पानी मिटाया कौन है, ये पानी भी ठीक कराने का काम करना। नमस्ते, ठीक से और बहुत महंगी कर रखी है अच्छा हाँ इन्हें बिजली महंगी कर रखी है। तो जी अब आगे वो बनेगा जो पीड़ा पीड़ा होना रहा है और उसका स्वामी है राजकीय उच्च विद्यालय बड़ाला गांव। और यहाँ का बात करूँ तो यो है जी आपका जलघर बड़ाला, जलघर की बड़ाला की ये जो आगे की व्यवस्था है सरपंच साहब आपका अंडर आओ तो आप रहियो, अगर डिपार्टमेंट का अंडर आओ तो डिपार्टमेंट करवाने का काम करेगा, क्योंकि आपने काम करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप वीडियो में उस दिन ये वो जगह है जिस दिन इस वीडियो में उड़ा कासुड़ी होने का भी चांस हो गए थे तो उसी जगह के अंदर हूँ। नमस्कार, कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट के या गांव के पंचायत के? डिपार्टमेंट के, तो पब्लिक से? हाँ जी, सॉरी जलघर, जलघर बटाला। तो किस तरह की व्यवस्था पानी पुणी की? बढ़िया व्यवस्था है, पहला डिग्गी डगी वो खाली थी कुछ था पानी पुणी आया करता, किस तरह पानी की व्यवस्था की? पानी तो गर्मियों में दिक्कत मचा है जी और सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं। सर्दियों में तो गर्मियों में दिक्कत ना मचन दिया करो, टैंक की वैल्यू के हिसाब से काम। कितना कर्मचारी आप? हम 3 हैं जी, 3 कर्मचारी हैं। एक आपसे विनती है, नमस्कार, एक आपसे विनती है कि आपके इस जलघर की व्यवस्था ऑटोमेटिक बन जाएगी। आपका एक जय है, क्या नाम उनका? जावला जी, जय हिंग एच डी यू है, जय नितिन कुमार है जी हमारे। अच्छा, आपके अधिकारी, तो उन्होंने कोर्ट गांव का जो जलघर था उसकी व्यवस्था है ऑटोमेटिक बनवा दी थी, तो बोला पेड़ पौधे बोधे को एक दगा से पड़वा जाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना, अच्छा लगा, बढ़िया। पानी पूरा मिला है गांव में? पानी पूरा मिला, तो डिग्गी डागी पूरी बड़ी है, फुल साफ सुथरी है, साफ सुथरी। देखिए तो मुंडी हो रही हो ना, स्वस्थ वाटर दिखाऊं? देखो आप, चलो भाई सर, जब कर्मचारी कही है दिखा दे तो दिखाने के लायक, जब कर्मचारी इतनी कॉम्पिटेंस से बात करा तो दिखाया काम होता होता। तो आप गाँव के हैं? गाँव के। नाम अपना? पुष्कर नाम है। पुष्कर, वाह भी वाह, पुष्कर नाम। लाइट तो बंद करे दिन में, कुछ लाइट यहाँ? अच्छा ये आगे, अच्छा लाइट गई के? नमस्कार, कैसे हैं? सौर ऊर्जा वाली क्या? अच्छा मोटर, अच्छा मोटर वाली है, मोटर मेरे पास लाइट गई क्या आ रही है, पता लगता रहो ना। अच्छा तो आप गांव से हैं, कर्मचारी हैं? ना जी भाई, मैं गांव से हूं। गांव से हैं, तो ये गांव के लिए व्यवस्था बताओ कि क्यों होनी चाहिए गांव में जी? हाँ,
एक तो अपनी गली है जी, नाला हरे रहा है। हाँ। और ये गांव की डिग्गी का स्कूल का सुधार होना चाहिए। हाँ। और आप गली में पानी की व्यवस्था सारी चीजें की डिग्गी का सुधार करो। यानी जो छप्पत बड़ा है उसके लिए एक चुनौती है। अच्छा जी, करनी पड़ेगी चुनौती काम है। हाँ, जोड़ कच्चा है, जोड़ कच्चा है, चार दीवार होनी चाहिए है नी, बाहर का गोरा पट लग रहा है या पक्का होना चाहिए, सब होना चाहिए जी, है नी। हाँ, ये काम तो थारा आके है तो ये तो थारा वो चीज थारी जरूरत है भाई, ना होना चाहिए जी। हैं पानी पी के देख लूं, पानी पी के देखो जी। हां पानी पी के देख ले भाई, कितना मीठा पानी आवे है। पानी मिठा बात भाई, पानी तो सारा अमृत काम भाई, सारे अमृत है जी पानी भाई, जो जो पानी पिया हुई तो है अमृत। हां ये बाकी मेरा पानी हम पियाओ कितना खो काम है। हां पानी जो समय निर्धारित कर रखे उस हिसाब से चलावा जी। हैं पानी की व्यवस्था इस गांव में ऐसी है, गांव हरियाणा में कहीं नहीं मिलेगी ना यार। पानी थारे गांव में पिछली बार ऐसा जो पानी की समस्या बहुत समस्या में इसी के ये ऐसा है कि गांव में चार टंकी बनी हुई। अच्छा, तो चारों टंकियों में उसका सबमर्सिबल का पानी जा है। जा है। हाँ। चलो गड्ढे में गड्ढे में दिक्कत आ रही है, सब टैंक में टैंक छोटा है इसके लिए दिक्कत आओ। देखो एक आध जो दौर है। हाँ सर बताएं। हाँ बिल्कुल आ जाओ ना, चलो मैं तैयार हूँ, मैं बाइक को गांव के स्कूल चलेंगे। चलो तो गांव के स्कूल दिखा लूँ, पाँच मिनट में दो मिनट में आया। ठीक है, यह वीडियो गांव के लिए को नहीं है, यह वीडियो स्पेशल सरपंच के लिए है कि इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तो आपका गांव कागता की बजाय धरातल पर आदर्श बन जाएगा। आओ कागता की बजाय आदर्श धरातल बन जाएगा। ये गांव के शौचालय है, जो शौचालय है ये आड़ हटा के कर दिए थे, फिर ये यहाँ से हटा के फिर आग लगा दी इसमें, परशुराम धर्मशाला में नए बना रखे। अच्छा, नए बना दिए, ये बंद कर दिए थे, ये कोई गड़बड़ की थी। अच्छा अच्छा, कच्ची थी या के है या हॉस्पिटल था यो पशुआ का। अच्छा, यो फिर मतलब बंद हो गया था, डॉक्टर ने फोन नहीं करे, डॉक्टर ना आने की वजह से बंद हो गया वो। हाँ मतलब बंद नहीं। हाँ अच्छा भाई, आज डांगरा का हॉस्पिटल दिखा दें, क्योंकि ये आवाज़ थी जो उस सरपंच ने, उस सरपंच होता पटवारी ने उस टाइम ठाई थी आम जनता की, आम जनता के लिए, गांव वासिया के लिए। भाई डांगरा का हॉस्पिटल तो डांगर तो बंद रहे हैं, अब प्राइवेट हैं पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पे या हॉस्पिटल की व्यवस्था है आपके गांव के अंदर की बटाला के। और जी किसी माप और जो एक खड्डा हत्या नीम लाग रहा केला त्रिवेणी लगाई थी, क्यों लगाई थी, खड्डा बुट गया। और यो खड्डा नू का नू है, राम राम है। ठीक से साहब, या खड्डा जब का तो है। तो नमस्कार भाई, गांव में के कमी है वो बाबा, राम राम और के पूरी होनी चाहिए। हाँ जो छुट पुट के काम से भाई ये जिस गाड़ गोल स्कूल की बढ़िया व्यवस्था हो समझा, और भाई एक दो स्टाफ की कमी हो भी पूरा होना चाहिए। हाँ। बच्चा ने सुविधा मिले तो ताकि ठीक साइंस का इंग्लिश का बताओ टीचर आगे इंग्लिश का अच्छा ये काम होने चाहिए। होने चाहिए। हाँ। संस्कृत का और एक संस्कृत का टीचर अच्छा। नहीं है, टीचर की कमी है। हाँ। की कमी है भाई, टीचर की कमी है। तो ये है जो नया पटवारी बना है, पटवारी बहुत बनी है, पटवारी जाना विभाग में हो है, पटवारी सो सना सियाणा हो है, सही बात कहावत है। तो पटवारी ले लेके एप्लीकेशन देते रहियो, उसका साथ जरूर देवांगे जी, जरूर देवांगे। की कोनी किस तरह वो मिसाल आप वाली मैंने सुन दी, ठीक आ गई दिमाग में। अच्छा पक्की बात है, पक्की पक्का तबीयत है। अच्छा चलो जी, अच्छी बात सब, धन्यवाद। तो यह पटवारी ने क्या क्या किया बच्चा का दियो? ठीक सर। हाँ कि भाई मारे शिक्षक को नहीं, शिक्षा की कमी है। हाँ, ठीक। जो डांगरा का हॉस्पिटल है। हाँ, डांगरा का हॉस्पिटल, जो डांगरा का हॉस्पिटल है। नमस्कार सर, इसी काम से है। बताएं क्या क्या तो इसमें गांव में विशेषता देखा और क्या क्या विशेषता ये आप आने वाले वक्त में चाहते हैं? देखो सुविधाएं तो अगर है गांव को बहुत कुछ चाहिएंगे जी। हमारे स्कूल में जैसे स्कूल का कैंपस है उसमें नमी नोनी आगे नीचा है। इसी काम से आज स्कूल का अंदर करते हैं। हाँ आज सर्वे कर लें, स्कूल करा देंगे, बच्चे क्या हैं शिक्षक भी कौन ही आज बच्चों। अच्छा जी बताएं, और हमारे पास में साइंस टीचर नहीं है। अच्छा जी, हिंदी टीचर भी नहीं है,
हाँ संस्कृत का टीचर तो है, ड्राइवर नहीं है। ठीक। और स्कूल कैंपस में एक जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अब जैसे बरसात हुई थी तो यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक और स्कूल के कैंपस में पूरा पानी आ गया था और उसकी निकासी का कोई उचित प्रबंध नहीं है। और उसके अलावा हमारे यहाँ गेट तो सुंदर बड़ा रखा है स्कूल का। नहीं, गेट तो सुंदर है। तो ये रिपेयर अब करवाई तो प्रशासन ने करवाया या गांव नाम ने मिलकर करवाया? ये हाँ गेट ये तो हेडमास्टर ने अपने स्कूल ग्रांट से बनवाया। स्कूल ग्रांट से बनवाई है, ये अच्छी बात है। आ जाओ अंदर आ जाओ। तो गांव बडाड़ा का हाई स्कूल है? हाँ हाई स्कूल। कितने बच्चे पढ़े गांव में? गांव के इसमें लगभग 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे हैं। हाँ चलो जी। तो और उसके अलावा मेन समस्या ये है कि जैसे ये जो नूनी है ये जमीन में से ऊपर आ गई, ऊपर आने के बाद में सारी की सारी बिल्डिंग देखो इस तरफ से आप ये जा करके नीचे से डैमेज होने लग गई है। अगर इसमें कुछ ब्लॉक का सिस्टम हो जाए तो ये नमी नूनी की समस्या से निजात मिल जाए, सफाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। और दूसरी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, हमारे यहाँ जैसे डिजिटल बोर्ड आ गए लेकिन लाइट नहीं है। अच्छा लाइट नहीं है स्कूलों में? लाइट तो है हाँ लेकिन आती नहीं है। अच्छा गांव के लिए आती हुआ गांव के? हाँ पावर कट लगती है गांव पे। वो सौर ऊर्जा नहीं लगवाई? सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा का सरपंच साहब से बात करी थी, उन्होंने कहा कि वो जो एक प्रोसेस है वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा और उसके बाद में। तो एडवांस जी कौन है? एडवांस जी हमारे अंदर होंगे। अरे मिले तो भैया मैं पहले एडवांस जी तो परमिशन ले लूँ। सर कौन है? परमिशन लेके फिर बात कर दूँगा स्कूल की व्यवस्था के बारे में। शिक्षक की कमी है और जो जो व्यवस्था बता रहे हैं वो बता देंगे कर दे। तो भैया मैं स्कूल के अंदर आ गया हूँ। अब स्कूल के अंदर जो मिड डे मील का खाना होया करा वो बताने में मिलन लग रहा है। नमस्ते बेबे, है आज की बड़ा है कड़ी चावल है? स्वाद है ना? हाँ मैं चखूँगा क्योंकि कड़ी है तो मैं भी दीवाना हूँ। तो यह बच्चों के लिए व्यवस्था है और वहाँ पर व्यवस्था बन रही है। आप डालने वाले वो हर रसोईया कुक जी? कुक हाँ अंग्रेजी में कुक कहते हैं। हाँ जी। बाकी रसोईया होया करें हैं। तो खाना खुना कितना के कितना बनाओ किस तरह की बात हो? जी बच्चा के हिसाब से बनाती हूँ खाना। अच्छा, बच्चों के हिसाब से बनाओ? हाँ जी। तो बदल बदल के बनाओ? हाँ जी। तो आज कढ़ी चावल बने हैं? हाँ जी। और कल क्या बनेगा? कल जी राजमा चावल। हाँ कल राजमा चावल मिलेंगे। तो पहले बेरा गोदम शिक्षक है भारत में नू लिया कि भाई अनजान आदमी गाँव के आदमी है बेरा गोदम। तो अब हेडमास्टर साहब शर्मा जी खाना जरूर चेक करो के जाना हाँ क्योंकि यो मेरा कर्म है तो क्योंकि दान दान भी खाने वाले का नाम। तो क्या व्यवस्था मानते हैं, किस तरह की व्यवस्था आपके स्कूल की है और क्या आपके जो स्कूल की व्यवस्था में थोड़ा सी कमी है जो प्रशासन से दूर हो पाएगी? ना स्कूल की व्यवस्था अध्यापकों की जो लगभग पूरी होगी, एक साइंस की और एक ड्राइंग की है वो उन्होंने मांग ली है कि शायद वो भी जल्दी आ जाएंगे और अध्यापकों की कमी लगभग पूरी हो चुकी है। तो सरपंच साहब की किस तरह की वो बात चाहेंगे क्योंकि आपके स्कूल में पानी भर जाता है? हाँ तो सरपंच साहब एक तो ब्लॉक बिछवाने की उन्हीं से डिमांड करेंगे। हाँ और एक ये पानी जो भरा है इसका मड़ा प्रबंध करें भाई, जोड़ की साइड में कोई डोला डाला लगवा मिट्टी मिट्टी करवाए तो इसलिए स्कूल में पानी ना हो तो इसलिए ये सरपंच से हम दरखास्त करेंगे। स्कूल की व्यवस्था वास्तव तो में नारी जा सके है, बच्चे वर्दी में भी हैं, सब काम है भाई, जो व्यवस्था होगी वह चीज़ तो दिखाई जाएगी, चाहे हरियाली की बात हो चाहे सफाई की व्यवस्था की बात हो। बस यह है कि सरपंच थोड़ा सा साथ और देगा तो आदर्श वास्तव बन जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सरपंच साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे भाई सारे स्कूल में ब्लॉक बिछवा दिए जाएँ और एक ये जो बाहर का जोड़ का पानी जो स्कूल के अंदर आ गया है उसकी व्यवस्था कर दी जाए भाई रोड के। हाँ। बच्चे भविष्य अपने आप तैयार हो जाएगा। नमस्ते, कौन सी पढ़ा भाई? सर सेवंथ में। सेवंथ में? सेवंथ में है। क्या नाम है? विवेक। विवेक क्या बनोगे बड़े होके? बड़े होके अफसर। अच्छा मेरी बात सुन, पढ़ाई पढ़ी किसी को है? अच्छी अच्छी वो है। अच्छा भैया क्या नाम है? मास्टर का नाम बता। मास्टर का नाम? मंजू। मैडम है मंजू देवी श्रीमती मंजू देवी, ठीक है नाम जो पूरा। भैया मैं तो चावल चखूँगा और कढ़ी कढ़ी चावल चख के पक्का जाऊँगा क्योंकि यह चीज़ भी दिखाने की है, खा के देखूँगा तो मेरा पास पटक होगा बच्चे खावे के हैं। भाई नमक जो नमक कुछ ही है, चावल साफ सुथरे हैं और यह है कि जो चाहे मेरी पत्नी का हाथ की कहूँ माँ की हाथ कहूँ चाहे बेटी हाथ कहूँ खाना बनाया घर में वो सेम खाना वही बनाए। मैं मास्टर जी यो एक कर्म हो आदमी का और कर्म क्यों हुआ? ना बिल्कुल बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बढ़िया बच्चे खूब बच्चे संतुष्ट हैं
फुल। तो कई साल की ड्यूटी रहेगी आपकी? बैठ चार साल रहेगी। चार साल रहेगी बस माने माने ज़्यादा एकदम शुगर की वजह शुगर की वजह से हमारे मास्टर जी माड़े माड़े से हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हाँ हाँ आधी छुट्टी मारे हैं बच्चों का भविष्य उज्जवल है। हाँ जी मेरा बीपीएल कार्ड था है। तो मैं तो इतनी साहूकार दिखा दी गांव वाले ने। कितने अमीर दिखा दिए? हाँ जी 5 लाख रुपया आमदनी दिखा दी। लड्डू बांट दे फिर अमीर होगी। 5 लाख रुपया आमदनी दिखा दी। बच्चे कमाने थे, बड़ा बेटा जी गुजर गया।